हेलो स्टूडेंट्स, इस वीक हम क्राफ्ट में कॉफी मग से फ्लावर्स बनाना सीखेंगे। आप कॉफी मग देख रहे हैं, स्मॉल साइज का है, इसमें आप थोड़ा सा बड़ा साइज भी ले सकते हैं। जैसे ये फ्लावर मैंने बनाया कटिंग करके, इसको हम इस तरीके से भी अटैच करके लगा सकते हैं स्टिक और लीव्स के साथ। लीव्स को हम अलग से कट करेंगे और इसको इस साइड से भी लगा सकते हैं, मतलब बोथ साइड से ही काम करेगा। आप इसको दोनों साइड से डेकोरेट कर सकते हो और इसे पेंट करके, इस कॉफ़ी मग को अगर हम प्लेन इस पर पेंट कर लेंगे कलर, फिर इसको कटिंग करके इस तरीके से बनाएंगे, तो जहाँ पर ये आपको लिखा हुआ प्रिंट दिख रहा है कि यहाँ पर छुप कर एक आपकी चॉइस के कलर के इसमें फ्लावर्स रेडी हो जाएंगे। वो साइड से आप इसको स्प्रे करके भी कलर कर सकते हो और शेड करके भी कर सकते हो ब्रश से। ओके, इसको हम बनाना सीखेंगे। बहुत ईजी है इसकी स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप में ये मैंने कॉफ़ी मग लिया है, सबसे पहले हम इसका सीजर से ये वाला पार्ट कट करेंगे। पार्ट हमारा कट हो गया, इसको हम बिल्कुल एक साथ काट लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ से स्टार्टिंग में करूँगी, मुझे पूरा यहाँ तक कट लगाना है जहाँ तक ये कट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर ऑलरेडी एक जॉइंट होता है, इसकी वजह से आगे कट नहीं लगता। अब इसमें मैं बहुत पतले पतले कट लगाने हैं, बहुत पास पास में, मतलब इतने पास में भी नहीं कि वो लाइन ही क्रैक हो जाए। इस तरीके से हम पूरा कॉफी में कट कर लेंगे। आप इसमें देख रहे हैं कितनी पतली स्टेप्स आ रहे हैं, ये देखिए, ऐसे आपको क्लियर दिख रही है ना, ये इससे ज्यादा ब्रॉड हमें नहीं करनी है कटिंग। फ्लावर का काफ़ी जगह यूज़ होता है, आप इसको ड्राई फ्लावर के रूप में कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें आप स्टोन और मिरर वर्क भी कर सकते हैं। स्टोन मीन्स जो स्पार्कल वाले छोटे छोटे से आते हैं, शाइन वाले, वैसे इसके साथ डेकोरेट करके भी आप इसको अटैच कर सकते हो कहीं भी। इस कॉफ़ी मग का जो पेपर है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो इसका भी इसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है वैसे टर्न करने में, कि ये काफ़ी लॉन्ग समय तक इसका यूज़ हम कर सकते हैं। देखिए हमारा पूरा जो कप है वो कट होने वाला है। ये हमारा पूरा ही कप कट हो गया है। देखिए इसको पहले हम इस तरीके से फैला लेंगे। इसको इस तरीके से फैलाएंगे, थोड़ा सा इसको लाइटली प्रेस करना है, इसे ये तरीके से हो जाएगा। ये देखिए, अब इसमें स्टेप्स देखिए, अब बस हमने इसको क्या किया है, यहाँ से टर्न किया है। किसकी हेल्प से किया है, अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो ये पॉइंटेड होते हैं, तो ये डायरेक्ट टर्न नहीं होते। इसको टर्न करने के लिए हम पेंसिल का यूज़ करेंगे या पेन का यूज़ करेंगे।
तो पहले तो हम इसको इस तरीके से बार बार करके प्रेस कर लेंगे, जिससे फ्लावर की तरह प्रेस हो जाए। वैसे हम इसको इस तरीके से भी फ्लावर में यूज़ कर सकते हैं ना, ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। अगर हम इसको कलर कर देंगे तो ये ऐसे भी अच्छे लगेंगे, बट ये हमारे नए डिज़ाइन के फ्लावर्स हैं जो दोनों साइड से यूज़ होते हैं सनफ्लावर की तरह, तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। इसके लिए अभी मैं नॉर्मल पेंसिल या कोई भी एक राउंड, आप रिफिल भी ले सकते हो, रिफिल पेन के अंदर की जो रिफिल होती है वो बहुत थिन होती है, पतली होती है ना, तो उससे इसके जो राउंड्स हैं और भी छोटे छोटे और अच्छे बनेंगे। जैसे सपोज मैं इस पेन की रिफिल को निकाल लेती हूँ और हम इससे बनाएंगे इसको, इससे टर्न करेंगे, तो ये कैसे बनते हैं। तो सपोज मैंने दो को ले लिया है, पहले हल्का सा यहाँ टर्न करेंगे, ये इस टाइप से टर्न हो रहा है, टिफिन से थोड़े से स्लिपी हो रहे हैं ये, इसकी जो पकड़ है उसको हमें बनाना पड़ रहा है, तो ये पेन से ही ज़्यादा इजी रहेंगे, पेन से इजीली हो रहे हैं राउंड अप। सेम हमें से पूरे ऐसे ही राउंड अप करना है, राउंड अप करके हम इसको फिर इस तरीके से हल्का हल्का बार बार टर्न करेंगे तो ये परफेक्ट शेप में आ जाएगा। ओके, स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट हो गया है, आपने देखा इसको हमने ऐसे राउंड अप करके फुल कंप्लीट कर लिया है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। जैसे हम ये सिंपल हमारी खुली हुई थी, इसी को हमने हल्के हाथों से रिफिल की हेल्प से और पेन की हेल्प से राउंड शेप दिया। अब ये बोथ साइड से फ्लावर के लिए परफेक्ट इसका यूज़ हो रहा है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, स्टिक्स को इस तरह से अटैच करके और इसमें लीव्स अटैच कर लेंगे, और आप इसको जिस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हो पेंट करके, यहाँ पर छोटे छोटे से स्टोन लगाकर भी इसको डेकोरेट कर सकते हो। सपोज इसमें मैं पेन से यहाँ पर लाइनिंग कर रही हूँ, तो आप इस तरह से लाइनिंग भी इसमें शो कर सकते हो, डॉट डॉट भी कर सकते हो, जो आपको डिज़ाइनिंग इसमें देना है वैसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे, बहुत इजी है बनाना और आप सभी को अच्छा भी लगेगा। कुछ नया हम दोबारा कॉफ़ी मग से सीख रहे हैं, इसके पहले मैंने आपको कॉफ़ी मग से बास्केट, मिनी बास्केट भी बनाना सिखाई थी, उसमें भी हमने इस तरीके की ब्रॉड कटिंग करके उसकी बुनाई की थी, तो ये भी एक उसका नया स्टेप है। आज हम फिर कुछ नया बनाना सीखा हमने, तो मैं नेक्स्ट वीक आप सभी का ये वर्क देखूंगी। ओके, टेक केयर, गुड बाय।